गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस डेली न्यूज व्लॉग में। आज की डेट है 23rd of October एंड डे है संडे। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज, बट बिफोर दैट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी जाइए हमारे चैनल तारा सारा वॉक्स को सब्सक्राइब करो दोस्तों फॉर गेटिंग शानदार इन्फॉर्मेशन एंड मजेदार भरपूर कॉन्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज विथ हेडलाइंस दोस्तों। सबसे पहली हेडलाइन है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने रोजगार देने का वादा किया है और कई हजार लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। सो आज की दूसरी न्यूज है क्रिकेट की जगत से, आज भिड़ंत होने वाली है इंडिया और पाकिस्तान की, लेट्स सी आज क्या होता है। वहीं एक सेक्युलरिज्म का प्रतीक होता आया है रामलला जो मंदिर बन रहा है वहां पे, जो उसका मेन जो एरिया है वो तराश रहे हैं एक मुसलमान भाई हमारे। लेट्स स्टार्ट द न्यूज इन डिटेल। सो दिल्ली में अगर आपने फटाका फोड़ा तो वहाँ पे आपको जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। मैक्सिमम जेल का टर्म है 6 महीने, तो आप अपने ही दम पे भैया अपने ही उस पे फटाके फोड़े। वहीं हरियाणा में आपको फटाका फोड़ने की अलाव है, बट वहाँ पे सिर्फ ग्रीन फटाके फोड़ सकते हैं, दिल्ली में कुछ भी नहीं, नथिंग। ये भी पूछना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी से कि क्या दिए जलाने से भी तो कुछ नुकसान नहीं होगा वहाँ पे। तो दोस्तों जैसे ऐसे हल्की हल्की ठंड बढ़ रही है हमारे भारत देश में, बहुत सारे प्रवासी पक्षी आना चालू हो गए हैं। इसमें कजाकिस्तान से आ रहे हैं वल्चर्स, जिनकी GPS ट्रैकिंग भी है, टैगिंग भी अब की जा रही है। तो वल्चर्स अब धीरे धीरे विलुप्त होते ही जा रहे हैं। हमें याद है बचपन में हमने गाँव में वल्चर्स देखे हैं, गिद्ध जिसे हम कहते हैं। अगर आपने भी देखा है तो आप भाग्यशाली लोगों में शामिल होते हैं, बिकॉज अब उनको देखने के लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता है। राइट दोस्तों, ग्राउंड रिपोर्ट आई है डिस्ट्रिक्ट पन्ना से, जो कि हीरा के लिए फेमस है। वहां हाल ही में सरकार ने रूज नदी पर बांध बनाना जब चालू किया, तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई बांध जब बना तो पानी बहा, जब पानी बहा तो मिट्टी में लोगों का अनुमान है कि शायद हीरे भी बहके आ रहे हैं। लगभग उस नदी के किनारे 20-22 हजार लोग तंबू लगा करके हीरे खोज रहे हैं। ये दिवाली मना रहे हैं भाई, दिवाली मना रहे हैं, छोटा सा हीरा। और इट्स नॉट अबाउट ओनली पन्ना, आस पास के क्षेत्र दमोह कटनी सब जगह से लोग आकर के टेंट लगा करके हीरा ढूंढ रहे हैं। भगवान करे कुछ लोगों को मिल जाए यार, मैं तो चाहता हूँ। ये यहाँ पे मेले जैसा माहौल बन गया है, हमको तो लगता है किसी को हीरा ना मिले ना मिले चाट फुलकी का ठेला लगा लो तुम्हारा हीरा ऐसे अपने आप बन जाएगा। और कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि भाई भीड़ नहीं लगनी चाहिए। सही बात है, लोग तो लोग हैं, पन्ना फेमस ही है हीरा के लिए। राइट सो मध्य प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन की ऐसी व्यवस्था है कि जहां पे 35% का कैप था वहां पे 85% तक जो पद थे उन्होंने आरक्षित कर दिए हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्रालयों में इन्होंने 85% तक पदों को, मतलब पद में वो लोग हैं जिनके लिए रिजर्वेशन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 36% पदों पर था, यानी 100 में सिर्फ 36 लोग रहेंगे। बट आज के डेट में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होने की वजह से 100 में 85 लोग हैं पद में, जाएंगे नहीं, हैं पद में। सो भोपाल और मालवा रीजन में जो PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक दो लोग पकड़े गए थे, उसमें से नदवी नाम का एक आदमी था, वो भोपाल को मेन टारगेट बनाया था और यहाँ पे 20 बार आ चुका था। मतलब इन लोग की बहुत बड़ी प्लानिंग थी भोपाल को टारगेट करने की और आसपास के रीजन को टारगेट करने की। सो ये सब समझ में आता है कि अभी और तो कितना इनका नेटवर्क फैला हुआ है। यहाँ पर वो स्थायी कैडर तैयार करना चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो उसमें सफल नहीं हो पाया, क्योंकि भोपाल में भी एक अच्छा, देखिए ऐसा नहीं कि हर मुसलमान खराब है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों के मन में जहाँ कमजोर होते हैं वहीं ये लोग भर देते हैं, तो जहाँ भर नहीं पाए वहाँ बोले नहीं हम नाकाम हो गए। तो ऐसे ही हाल इनका साथ भोपाल में हुआ, बट इसको थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हम सभी मुसलमान भाई ऐसे बोलेंगे कि भाई ऐसे ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप बच के रहें, क्योंकि भारत की अखंडता हमें बना के रखें। तो पाकिस्तान में जहां इमरान खान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहीं पर देखा जा रहा है कि वो सड़क पर उतर रहे हैं अपने इसके विरोध में, और वो काफ़ी फेमस नेता हैं वहां पर। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा है कि अभी वहां पर कुछ छोटे मोटे चुनाव हुए थे, उपचुनाव, जहां पर वो जीते, अच्छा बहुमत उन्होंने लाया है। तो ऐसा कहा जा रहा है ही इज़ वेरी पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान एंड ही शुड कम बैक। लेट्स सी कि कैसे कम बैक करेंगे, क्योंकि इनके टाइम पे भी नवाज शरीफ को ही ऐसे ही वहाँ रास्ते से हटाया गया था, अब इनके साथ ही वही कर्मा हिट। पाकिस्तान है तो कुछ भी हो सकता है। भोपाल की प्रिंसेस साबिया सुल्तान, जो आज के डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो सोहा अली खान और सैफ अली खान की
फूफी लगती हैं, उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये काफ़ी सुंदर थीं, काफ़ी अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मनी ये बोल लेती थीं, और इनकी आखिरी हसरत थी कि हम मरने से पहले एक बार भोपाल देख लें। इनकी शादी हुई थी हैदराबाद के किसी जमींदार के घर में, और अनडाउटेडली भोपाल का ताल्लुक इनसे काफ़ी गहरा था, बट सब यादें छूट के रह गई। सो चाइना से खबर है कि जी जिनपिंग जो तीसरी बार इलेक्ट हो चुके हैं एज अ प्रेसिडेंट, वहाँ पे हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया है। जो कन्वेंशन का लास्ट डे था वो ख़त्म हुआ, पर वहीं पे जो सबसे मज़ेदार न्यूज़ आई, जो सबसे मज़ेदार वीडियो आया वो ये था कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हूँ जिनता हूँ, उनको जिस तरीके से उस असेंबली से ज़बरदस्ती निकाला गया और ये सामने लाया गया, मतलब ये दिखाने की कोशिश करी गई कि जी जिनपिंग अब वहाँ की सोल अथॉरिटी है, अब उनके अगेंस्ट कोई भी अपोजिशन नहीं है, बिकॉज ये जो हूँ जिनताओं थे ये उनके एक प्रमुख अपोजिशन में आते थे, बट अब ये रास्ता साफ हो गया उनके लिए कि अब वो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, कमांडर हैं। आप डिक्टेटर उनको कहिए ना कहिए, बट वो कहीं ना कहीं एक डिफैक्टो डिक्टेटर बन चुके हैं। बिल्कुल, और जो लोग कहते हैं कि भारत में डिक्टेटरशिप चल रही है, ऐसा नहीं है। डिक्टेटरशिप इसे कहा जाता है, राइट, कि सामने वाले को बीच सभा में सबके सामने लाइव फर्क नहीं पैंदा गुरु, निकलो तुम, उठा के निकाल ले गए, यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते, थैंक गॉड हम इंडिया में। तो दोस्तों, मंदिर में रामलला का मंदिर तैयार हो चुका है और उसके गर्भगृह का निर्माण भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और सबसे अच्छी बात यह है जैसा प्रकाश ने शुरू में बताया था कि इसका जो गर्भगृह है उसका निर्माण एक मुसलमान भाई कर रहे हैं जिनका नाम रमजान सेठ है, और उनके कई सारे फैक्ट्रियां भी हैं वहाँ पर, राजस्थान में पूरा काम चल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है, कहा जा रहा है कि इसमें जो मार्बल यूज़ किया गया है वो ताजमहल के भी मार्बल से बेटर है। वाओ, इसमें 99% कैल्शियम है, तो ये कभी भी पीला नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे ये बुजुर्ग होता जाएगा और उम्र इसकी बढ़ती जाएगी, एज होती जाएगी, ये और खूबसूरत दिखेगा। नाइस, तो बहुत ही शानदार तरीके से बन रहा है ये पूरा, और हम तो भगवान से मनाते हैं कि जल्दी से जल्दी अब किसी दिन हम भी दिवाली अयोध्या में मनाएं एक बार। और दीपोत्सव चल रहा है अयोध्या में, बहुत सुंदर, आप वीडियोज देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं, लगता है कि हाँ भाई रामलला पधार रहे हैं। सो आज की दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ है जो क्रिकेट जगत से है कि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में, और कहीं ना कहीं बारिश की संभावनाएं भी हैं, और इसी चक्कर में जो बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी हैं उनका दिल दुखा भी हुआ है। बट मैं एक चीज़ और बता दूँ, बट वो जो राइवलरी दिखती थी इंडिया पाकिस्तान की, अब वो राइवलरी इतनी दिख नहीं रही है, और इतना जो उत्साह होता था पहले, इस समय वो उत्साह है नहीं, क्योंकि अब वो राइवलरी जो नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं वो थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा फ्रेंडलीनेस हो जाए, इतना ज़्यादा एग्रेशन और गुस्सा ना रहे। नए जनरेशन के हैं भैया, क्या कर सकते हैं। पर गुरु मजा तभी आता जब शाहिद अफरीदी लोग खेलते। सही बात है, सचिन सहवाग। तो आज की फाइनल खबर ये है कि धनतेरस को जॉब तेरस के रूप में कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई लोगों को नियुक्ति पत्र दी, लगभग 75,226 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है, और 10 लाख युवाओं को और नौकरियां मिलेंगी। देश भर में लगभग 50 जगह रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। मेरे हिसाब से मोदी जी ये समझ चुके हैं कि आने वाला चुनाव में रोजगार एक अहम मुद्दा है, और इसीलिए बहुत सारी नौकरियां बढ़ रही हैं, राइट। तो अगर आप भी नौकरी के उम्मीदवार हैं तो चांसेस हैं, भगवान की कृपा हो सकती है और आपको भी जल्दी से नौकरी मिल सकती है। और पीएम मोदी ने कहा हम आत्मनिर्भर भारत की राह पर हैं, राइट, वेरी ट्रू। और यही आप सिर्फ सेंटर बस नहीं, स्टेट्स में भी अरविंद केजरीवाल अपने तरफ से लगे हुए हैं नौकरी बांटने में, दिल्ली में, राजस्थान में, और ये चीज़ अब समझ में आ गई है कि जो आने वाले इलेक्शन है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, महंगाई से बड़ा ये मुद्दा बनेगा बेरोजगारी। बिल्कुल, सो सभी लोग को रोजगार मिले, आपको भी मिले, सब लोग बढ़िया से स्वस्थ रहें, सबकी दिवाली बहुत अच्छे से हो। उम्मीद करते हैं सफाई वफाई चालू हो गई है हमारे यहाँ, तो चकाचक खत्म हो गई है भाई, तो खत्म हो चुकी है। कल पड़ाका वड़ाका फोड़ोगे आप लोग, अपने अपन दिल्ली में नहीं, अपन भोपाल में रहते हैं, अपन तो तोड़ के फोड़ेंगे। यस, आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तारा तारा व्लॉग्स को, ताकि ऐसे ही डेली न्यूज व्लॉग आपको मिलता रहे, और हमारे इस व्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और खुशियां यूं ही बांटते रहिए। सो विद दिस, थैंक यू सो मच।
नमस्ते।